शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री की खबर के साथ, क्योंकि पीएम मोदी आज से 3 दिवसीय यूपी के दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश में रहेंगे पीएम मोदी अगले 3 दिन तक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीचों बीच पीएम मोदी के इस दौरे को काफी अहम कहा जा रहा है। यूपी सरकार ने इस दौरे के लिए खास तैयारियां की। वहीं पीएम मोदी कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन भी करेंगे। यूपी के झांसी के इसी ऐतिहासिक किले में आज प्रधानमंत्री मोदी लाइट एंड साउंड शो देखेंगे और झांसी की रानी की शौर्य गाथा के गवाह बनेंगे, लोगों को संबोधित भी करेंगे। नरेंद्र मोदी झांसी के किले का दौरा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, लिहाजा शहर में तैयारियां बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। सुरक्षा से लेकर सफाई के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। अब आप इस स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर को देखिए। आज प्रधानमंत्री मोदी झांसी में इसे भारतीय वायुसेना को सौंपेंगे। ये ऊंची चोटियों पर भी अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम के बीच प्रधानमंत्री का आज से यूपी का 3 दिनों का दौरा शुरू होने जा रहा है। पीएम मोदी 20 और 21 नवंबर को लखनऊ में मौजूद रहेंगे। आज सबसे पहले प्रधानमंत्री महोबा पहुंचेंगे और 2655 करोड़ की लागत वाली अर्जुन सहायक परियोजना का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी यहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अर्जुन सहायक परियोजना के पूरे होने से बुंदेलखंड में सिंचाई की समस्या दूर होगी। इसके बाद पीएम मोदी रानी लक्ष्मीबाई जयंती के मौके पर झांसी पहुंचेंगे। झांसी के किले में लाइट एंड साउंड शो देखेंगे। झांसी के किले में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में शामिल होंगे। झांसी से ही रक्षा उत्पाद और उपकरणों को देश को समर्पित करेंगे। झांसी में प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। देश की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को नमन करने से लेकर बुंदेलखंड के लिए सिंचाई की सौगात और भारतीय वायुसेना को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सौंपना, ये सारे कार्यक्रम यूपी चुनाव से पहले हो रहे हैं। दरअसल बीजेपी सिर्फ यूपी ही नहीं पूरे देश को संदेश देना चाहती है कि देश में विकास हो रहा है और उसे जमीन पर उतारा भी जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी सरकार लोगों की समस्याओं को हल करने का वादा भी पूरा कर रही है। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।